रिलेशनशिप। और जिस दिन आपके समुदाय से आपके समुदाय से रिलेटेड विचारधारा के लोगों का नियंत्रण इस लेक्चर पर होगा, आपके भाग्य का निर्धारण वहीं से होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत देश में हमारे समाज की कई राजनीतिक पार्टियां बनी, बन भी रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, लेकिन ये डिवाइडेड है। ये जो डिवाइडेड है इस कारण से शायद लेजिस्लेचर पर कब्जा नहीं हो पा रहा है। एक और परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, वेबर की स्टडी कहती है कि अनलाइक वर्ना कास्ट वाज एस्टैब्लिश्ड टू सेव द इकोनॉमिक लाइफ एंड इट पोजिस दैट, यानी इट वैलिडेट्स दैट इट वाज इनिशिएटेड टू ब्रिंग ए ऑक्यूपेशनल गिल्ट, बट ओवर द पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ द कास्ट हायरार्की बिकेम द बैरियर ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपेशन, नॉट ओनली ऑक्यूपेशन बट ऑल्सो द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। क्या आपने सोचा है कि मारवाड़ी या गुजरात कम्युनिटी के लोग आज तक बिजनेस में क्यों इतना आगे? नॉर्थ इंडिया में बिजनेस हाउसेस 37 में से 23 गुजरात और मराठी के लोग थे। क्या आपने सोचा है कि हमारे रूरल बैकग्राउंड में जो बिलों को भर की लाइन है वो 45% शेड्यूल कास्ट है, 35% शेड्यूल ट्राइब्स है, और आइलैंड इंडिया में भी 10% का डिफरेंसेस है। जहां आप पर कास्ट का एक्सपेंडिचर 60% होता है, वहां शेड्यूल कास्ट का परसेंट 35% होता है। आखिर क्यों? क्या आज भारत में भी अनटचेबिलिटी है? हाँ है, 27% अनटचेबिलिटी। 45% आप लोग लैंडलेस हैं। दलित शब्द का उपयोग करते हैं। 2018 में तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने तो ये सूचना भी दी थी, अब दलित नहीं शेड्यूल कास्ट को रूप में चर्चा है। आखिर हम दलित शब्द की चर्चा क्यों कर रहे हैं? शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं, शेड्यूल ट्राइब की क्यों नहीं, ओबीसी की क्यों नहीं? और जो ये ऑक्यूपेशनल पैटर्न है, ऑक्यूपेशनल जो गिल्ड है, इसमें अगर एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को अगर रोक रखा था तो लिबरलाइजेशन उसको खत्म करने का एक प्रयास किया। क्या आज जो एमएनसी भारत, एमएनसी इंडिया में आते हैं, किसी लेबर सप्लाई का जो मांग करते हैं, लेबर का जो डिमांड करते हैं, क्या कहते हैं कि हमको ब्राह्मण चाहिए? क्या वे कहते हैं कि हमको शूद्र चाहिए? वो जो कॉलोनियल पीरियड में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का जो रिस्ट्रिक्शन था उसको खत्म करने का प्रयास किया गया, वो आज भी चल रहा है। तो सॉल्यूशन कहां है? वेबर की स्टडी कहती है कि वंस द कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस नेटवर्क इज एस्टैब्लिश्ड, इट क्रिएट्स थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। शायद नहीं समझे होंगे, हमारे जो दलित शब्द है, दलित लोग हैं, एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस नेटवर्क की कमी है। और जिस दिन एक बिजनेस नेटवर्क की स्थापना हम कर लेंगे, शायद उस दिन हम एंटरप्रेन्योर्स का जन्म लेना शुरू कर देंगे। भारत देश में इसकी कमी है, न कल था न आज है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी गण बैठे हैं, जो ऑफिसर्स गण बैठे हैं, सब मिलकर हम एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस नेटवर्क की स्थापना करेंगे।
और इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसका कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो हम कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस नेटवर्क की स्थापना शायद कर ले जाएंगे तो कल हमारा ठीक हो जाएगा, न कल अच्छा किया न आज अभी तक स्थापना किए और आने वाले समय में शायद अच्छा हो जाएगा। मेरा यह मानना है, फिर से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से चाहे बिजनेस नेटवर्क की स्थापना कम्युनिटी बेस्ड कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन जब तक आप लेजिस्लेचर पर कब्जा नहीं होगा आपका, तब तक आपके भाग्य का निर्धारण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार खासकर पब्लिक मीटिंग में इस बात को जरूर कहता हूं कि कैप्चर द लेजिस्लेचर, कैप्चर द लेजिस्लेचर। और कैप्चर द लेजिस्लेचर कैसे होगा वो आप खुद सोच सकते हैं, पढ़े लिखे हैं। प्रियंकुल की थोड़ी सी चर्चा भाई साहब ने किया, मैं भी थोड़ा उस पर कर दे रहा हूं। शायद आभार रानी ने प्रियंकुल की चर्चा की, सिंस द वेल्थ इज जनरेटेड, सिंस द वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द सोसाइटी विथ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एंड इट गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन टू द हैंड्स ऑफ द फ्यू। बट इंडिया में तो है, इंडिया में तो है, हम लैंड लेस क्यों हैं, इंडस्ट्रियल लेस क्यों हैं, इंडस्ट्री से वंचित क्यों हैं, कृषि से वंचित क्यों हैं, उद्योग से वंचित क्यों हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए खासकर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पाना चाहते हैं तो मेरा एक फिर कहना है, एक मास मूवमेंट की जरूरत है। यहां भाषण देने से कुछ नहीं होगा, रतनलाल जी की तरह आप फील्ड में जाइए, अकेला नहीं, एक मास मूवमेंट लेकर। दलित मास मूवमेंट की अभी कमी है, आने वाले समय को अगर सही मायने में उभारना चाहते हैं तो कंक्लूडिंग रूप से दो सलाह है मेरी। पहला है तो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस नेटवर्क की स्थापना, और दूसरा लेजिस्लेचर पर कब्जा। एक दो चीज जिस दिन आपके हाथ में आ जाएंगे उस दिन हम शायद शासनकर्ता जमात बन जाएंगे, उस दिन हम शासनकर्ता जमात बन जाएंगे। अर्थात अभी जो हम डिप्रेस कम्युनिटी में आते हैं उस दिन हम रूलिंग क्लास में बन जाएंगे, यह हमारी इच्छा है। मैं इतने ही बात को कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।